हम सुनिए हैं और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूं बजरंगी भाईजान के प्रीव्यू शोज के बारे में जो 25 तारीख को होने वाले यानी कि कल यानी कि संडे को। इस शो में क्या होगा, कितने स्क्रीन्स मिले हैं, क्या होगा इस शो का मतलब रिस्पांस कैसा है वो मैं आपको बता दूं और आप जानकर खुश हो जाओगे। ये बहुत बड़ा प्रीव्यू होने वाला है। मैं आपको मेन साइट पर ले आया हूँ। मेन साइट पर आप देख सकते हो जो 12-13 हज़ार लोग थे अब 17 हज़ार के ऊपर हो चुके हैं और मेरे को लग रहा है कल तक या परसों तक ये 20 हज़ार के ऊपर हो जाएंगे। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि आखिर इसके शोज़ कितने जगह लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया हूँ आपको शोज़। ये 25 तारीख के शोज़ है, ठीक है, किसके मेन साइट पर बजरंगी भाईजान के। कहाँ कहाँ पर लगे देख सकते हैं आप। UMI पे लगे हैं, मियो हैप्पी स्टूडियोज़ पे लगे, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जगह तो शोज़ लगे भाई इस फिल्म के, यानी कि अच्छा खासे शोज़ लगे ऑल ओवर चाइना में। अब यहाँ पर बात करूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ की तो शोज़ मैंने ओपन कर लिए कई सारे आपको दिखाने के लिए ताकि आपको डिले ना हो। ये शोज़ दिखा रहे कहाँ का, एक सेकेंड, ये शोज़ दिखा रहे पॉली इंटरनेशनल सिनेमा हॉल का, जहाँ पे कुछ सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है, बाकी बुक्स हो रही है और कहीं कहीं फुल हाउस भी है। मैंने दिखाता हूँ आपको थोड़ी, ये देख सकते हैं, ये है सेनोपी न्यूज़, ये भी सिनेमा हॉल है चाइना का, देख सकते हैं आप। 2:30 बजे का रुपये का शोज़ है 2D। और ये सीट्स देखिए, कुछ ही सीट्स बची है ना, और बाकी सब फुल हाउस हो चुकी है क्योंकि ये सोल्ड सीट्स है, राइट, समझ गए आप, है ना। तो यार ये हाल है चाइना में कैसा है सिनेमा, यहाँ पर भी लगभग बुक्स हो रही है सीट्स और यहाँ पर भी बुकिंग चालू, यानी कि हर एक थिएटर्स में जहाँ पे मैं देख रहा हूँ बुकिंग अच्छी खासी हो रही है और उम्मीद है कि बुकिंग और स्ट्रांग होने वाली है। यहाँ पर उतनी नहीं है बट स्टिल बुकिंग चालू है, यानी कि एक बहुत बड़ा प्रीव्यू है चाइना में जो चल रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा कम है और यहाँ पर देखो बढ़िया है, यानी कुछ थिएटर्स में बहुत बढ़िया बुकिंग चालू है, कुछ थिएटर्स में थोड़ा कम है बट स्टिल बुकिंग स्ट्रांग है और उम्मीद है कि ये फिल्म बढ़िया रिस्पांस देगी कल के बाद से, क्योंकि अगर 2-3 साल बाद भी किसी कंट्री में फिल्म रिलीज़ होती है और इतना बढ़िया रिस्पांस आता है फिल्म का, यानी कि इतनी अच्छी स्क्रीन्स बुकिंग हो दिखाई दे रही है, जैसे कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो यार और क्या चाहिए किसी फिल्म को। और जो लोग कह रहे हैं कि चाइना में भैया लीक हो गई ऐसा वैसा, यार आप मान के चलिए अगर लीक हुई होती तो इतनी सीट्स कहाँ से फुल होती बताइए, और 3 साल बाद कोई फिल्म रिलीज़ होती है, एक ऐसी कोई कंट्री चलिए बता दीजिए जहाँ पर 2-3 साल बाद भी फिल्म रिलीज़ हो इतना बढ़िया उसको रिस्पॉन्स मिले। मुझे तो नहीं लगता चाइना के अलावा कोई कंट्री है वो, इसलिए क्योंकि वहाँ पे पायरेसी या जो भी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें ना के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ पे का अगर आपको कानून बता दूँ तो मैं आप डर जाओगे। वहाँ पर ऐसा है कि अगर कोई वहाँ उनके गवर्नमेंट या उनके गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी के खिलाफ कहीं पे भी लिखता है वेबसाइट या कहीं पे भी, भैया उसे जेल हो जाती है भैया, और भूल जाइए कि आपको बेल मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, इसी तरह के अपडेट्स आपको देता रहूँगा, यानी कि साफ है कि कल से बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी बजरंगी भाईजान के बारे में, जो रिव्यूज़ आएंगे उसके भी अपडेट करूँगा और क्या रिस्पॉन्स होता है उस पर ज़रूर मैं बात करूँगा। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।